हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बट आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट द ऑप्टिकल एज्योमेरिज्म। और इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल एज्योमेरिज्म खत्म हो गया है, और आज का टॉपिक है बेटा, इट इज अबाउट द ऑप्टिकल एज्योमेरिज्म। और बेटा, इस ऑप्टिकल एज्योमेरिज्म को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द रीजन टू लर्न अबाउट दिस ऑप्टिकल एज्योमेरिज्म। बेटा, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स, वो कंपाउंड की कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर आप पता कर लिए तो उससे क्या होता है बेटा, उसके जैसे मतलब एक रिवर्स रोटेशन वाले कंपाउंड बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई पेशेंट कैंसर से मतलब कोई पेशेंट है और उसको कैंसर है, हम बोलेंगे बेटा ये पेशेंट को अगर कैंसर है तो आइदर इट इज गेटिंग द कैंसर, बट आइदर ही इज गेटिंग द कैंसर ड्यू टू चीविंग ऑफ टोबैको, या तो ज्यादा सिगरेट पीने से हो सकता है या टोबैको खाने से हो सकता है। तो बेटा टोबैको है ना, एक तरह का निकोटीन है, आप जानते हो, एक तरह का निकोटीन हो जाता है। अगर उस निकोटीन की रोटेशन हमें मालूम पड़ी कि वो प्लस रोटेशन है, आप उसी निकोटीन का आप माइनस रोटेशन वाला कंपाउंड बना के दे दीजिए, तो कुछ हद तक उसका जो कैंसर है वो सब्सिडाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, खत्म तो नहीं होगा, पर एक मेथड है ऐसा। तो हम जानना चाहते हैं कि कोई भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे पता करते हैं। तो कोई भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने के दो रीजन है बेटा, एक है लैब वाला मेथड और एक है दैट इज अ पेपर एंड पेन वाला मेथड। तो पहले हम थोड़ा लैब वाला मेथड सीखेंगे। बेटा पहले हम लैब वाला मेथड सीखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पता कैसे करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने का लैब वाला मेथड है कि हमने यहाँ से एक नॉर्मल रे ऑफ लाइट पास की है। आप इसे बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल रे ऑफ लाइट। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि बेटा ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट है? तो ये जो नॉर्मल रे ऑफ लाइट में ये जो फोटॉन्स की वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में रहती है, मतलब ये फोटॉन वाइब्रेट कर रहा है, और देख सकते हो बेटा फोटॉन इज वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। अगर ये फोटॉन की वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में चल रही है, राइट, तो नॉर्मल रे ऑफ लाइट है। फिर आपने इसे एक प्रिज्म से पास करना है, और जानते हो बेटा ये प्रिज्म है, इट इज मेड अप ऑफ ए कैल्साइट क्रिस्टल, और इस कैल्साइट क्रिस्टल वाले प्रिज्म से अगर ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट पास करो, तो बेटा आने वाली रे ऑफ लाइट में वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन विल टेक प्लेस ओनली ऑन वन डायरेक्शन। आप देखो बेटा, यहाँ पर आपका जो फोटॉन की वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में आ रही है। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जिसमें फोटॉन का वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, दैट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ए प्लेन पोलराइज लाइट। बेटा आप इसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल भी बोल सकते हो। और ये जो पीपीएल है या प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर आप इसे पास करो एक पोलारीमीटर ट्यूब से, बड़ा एक डिवाइस है इसका नाम है पोलारीमीटर, राइट, और आप इसे पास करो पोलारीमीटर ट्यूब में, और इस पोलारीमीटर में आपने एक सॉल्यूशन रखना है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है। आपको एक सॉल्यूशन रखना है और जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है वो रखना है। अब ये पास करने के बाद यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बेटा क्या पॉसिबिलिटी होगी? ये सॉल्यूशन ये पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या तो ये सॉल्यूशन इस पीपीएल को बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। बेटा या तो ये सॉल्यूशन ये पीपीएल को सीधा का सीधा ले जाएगा। बेटा अगर ये सॉल्यूशन ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये सॉल्यूशन ने प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, तो हम अब भी बोलेंगे हमारा ये सॉल्यूशन जिस कंपाउंड से बना है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये सॉल्यूशन ने पीपीएल को कहीं भी रोटेट नहीं किया, हम बोलेंगे सॉल्यूशन जिस कंपाउंड से बना है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
बेटा ऑप्टिकली एक्टिव को कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डिनोटेड एज ए डी एंड प्लस साइन दिखाते हैं। बेटा ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसको कहते हैं लेवियो रोटेटरी, और बेटा ये लेवियो रोटेटरी को डिनोट करते हैं स्मॉल एल या तो माइनस साइन। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पर स्क्रीन होती है बेटा, स्क्रीन में लाइट जाके हिट करेगा, आपको मालूम पड़ेगा ग्लो हो रहा है। तो हम ये बोलेंगे अगर ये सॉल्यूशन ने पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया ऑप्टिकली एक्टिव, कहीं नहीं घुमा दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये जो सॉल्यूशन आपने देखा है बेटा, तो या तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव वाले कंपाउंड से बना होगा या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से बना होगा। बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होते हैं, व्हाट इज दैट टू टाइप एक्टिव। एक होता है बेटा एनेंशियोमर्स, एक होता है एनेंशियोमर्स, और दूसरा होता है डाई स्टीरियोमर्स। बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मीजो कंपाउंड और एक होता है रैसिमिक मिक्सचर्स। तो बेटा ये एनेंशियोमर्स, डायस्टेरोमर्स, मीजो एंड रैसिमिक, ये समझने के लिए हमें कुछ डिफरेंट मेथड देखने पड़ेंगे। तो बेटा ये एक लैब मेथड था जिससे हम पता कर सकते थे कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हम देखेंगे पेपर एंड पेन वाला मेथड जिससे हम ये भी बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसे कुछ रूल्स है, मैं आपको लिखा के दूंगा। बेटा अभी सेकेंड मेथड है जिससे ऑप्टिकल एक्टिविटी आप पता कर सकते हो, और वो है दैट इज पेन एंड पेपर वाला मेथड। तो ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन पता करने के कुछ रूल्स होते हैं बेटा। रूल नंबर वन, इफ द कंपाउंड कंटेन्स ओनली वन कायरल सेंटर देन कंपाउंड इज 100% ऑप्टिकली एक्टिव। बट अगर कंपाउंड के अंदर एक ही कायरल सेंटर है तो बोल देना कि कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बात आती है कि सर ये कायरल सेंटर है क्या, चलो ये रूल के हिसाब से समझेंगे। बेटा कायरल सेंटर क्या होते हैं? कायरल सेंटर मतलब वो ऐसा सेंटर जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो। बेटा ये सेंटर को फोर डिफरेंट या तो ग्रुप्स या फोर डिफरेंट एटम्स अटैच हो, समझे आप? कायरल सेंटर मतलब वो सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज हो जिससे चार डिफरेंट ग्रुप या फोर डिफरेंट एटम्स अटैच हो, और वो जो होते हैं कायरल सेंटर ऐसे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बेटा एसिमेट्रिक कार्बन एटम या एसिमेट्रिक सेंटर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी स्टार से, जो कि एसिमेट्रिक है, कायरल सेंटर है। चलो बेटा ये कायरल सेंटर का अच्छा सा एग्जाम्पल भी समझेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप देखिए इस कार्बन के पास, बेटा इस कार्बन के पास चार डिफरेंट ग्रुप है, कार्बन अटैच विद एच ओ एच सी एच थ्री सी एच ओ, और ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज भी है, और इसके चार अलग अलग ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो मैं बोल दूं ये मेरा सी स्टार कार्बन है। व्हाट इज मीन बाय सी स्टार बेटा? असिमेट्रिक कार्बन। और जो असिमेट्रिक कार्बन होता है दैट मीन्स द कंपाउंड, एक ही असिमेट्रिक कार्बन है ना, मतलब एक कायरल सेंटर है, तो मैं बोलूं बेटा ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव पता करने के रूल है। अच्छा और एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको बेटा, ये कार्बन है, इसके साथ बॉन्डेड विथ सी ओ एच है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, यहाँ ओ एच ग्रुप है, और यहाँ पर एक एच है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव? तो बोलो ये कार्बन sp3 है, एट द सेम टाइम इसके पास चार अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो ये आपका सी स्टार हो गया। मतलब ये कंपाउंड में ये वाला कायरल सेंटर एक ही है, ये वाला कंपाउंड हमारा 100% ऑप्टिकली एक्टिव हो गया।
अब मैं आपको और ही एग्जांपल दे दूं बेटा, यहाँ पर कार्बन के साथ सी ओ ओ एच आ गया बेटा, ये सी एच थ्री आ गया, ये ओ एच आ गया, और फिर यहाँ पर सी एच थ्री है। आप देखिए ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता, बिकॉज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन तो है लेकिन दो दो ग्रुप इसके सेम है। इसका मतलब कायरल सेंटर आने के लिए इसके पास लगे हुए चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, या तो एटम डिफरेंट हो तो कायरल सेंटर होगा। मतलब ये कार्बन आपका कायरल नहीं है। एस वी कैन से द कंपाउंड इज ए ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड। बेटा एक ऑप्टिकली एक्टिव हो गया और दूसरा वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, राइट। बेटा अभी हम लोग रूल नंबर टू देखेंगे। ये रूल नंबर वन में मैंने आपको ये बता दिया कि अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर आ जाए तो कंपाउंड इज 100% ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर आ जाए तो क्या करेंगे? तो रूल नंबर टू देखिए बेटा, अभी इफ द कंपाउंड कंटेन इफ द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन कायरल सेंटर, बेटा इफ द कंपाउंड कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर देन देन चेक डायसिमेट्री ऑफ द कंपाउंड। बेटा डायसिमेट्री ऑफ द कंपाउंड का मतलब होता है कि आपको उस कंपाउंड की प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों देखनी है। चेक द डायसिमेट्री ऑफ द कंपाउंड मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेटा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है और आपको उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट कैसे करेंगे बेटा? इन द टर्म ऑफ ए पी ओ एस। सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे करेंगे? सी ओ एस। तो आपको पी ओ एस और सी ओ एस दोनों को चेक करनी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव आने की कंडीशन क्या है? देखिए बेटा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट है, हम बोलेंगे हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है बेटा, अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है या दोनों के दोनों भी प्रेजेंट है या दोनों के दोनों भी प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में अपना कंपाउंड बन जाएगा, व्हाट इज दैट बेटा, व्हाट इज दैट, अपना कंपाउंड बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इज इट क्लियर? पहले तो दोनों के दोनों एब्सेंट होना तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नो डाउट। लेकिन अगर कोई भी एक प्रेजेंट हो या दोनों के दोनों प्रेजेंट हो गए, हमारा कंपाउंड बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कैसे करते हैं? तो आई विल डिस्कस विथ यू व्हाट इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि बच्चों को मालूम होना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इट इज एन इमेजिनरी, बेटा इट इज एन इमेजिनरी लाइन, राइट, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच कट्स द कंपाउंड कंपाउंड इंटू इक्वल हाफ। मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में कट कर देगा। कट द कंपाउंड इनटू टू इक्वल हाफ एंड एंड बोथ दी हाफ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, आर मिरर इमेज टू ईच अदर। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मैं एक एग्जाम्पल मैं बोलूं ये मेरा कंपाउंड क्या है बेटा, साइक्लो ब्यूटेन है। अगर ये साइक्लो ब्यूटेन को मैं यहां से ऐसा कट कर दूं तो ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो मैं बोलूं इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं, ठीक है बेटा, यहां पर एक ओएच है और यहां पर भी एक ओएच है, राइट, 1 2 3, 1 कॉमा 3 डाई ओएल है, राइट, साइक्लोपेंटेन।
अगर इस कंपाउंड को मैं यहां से काट दो तो देखो दोनों इक्वल पार्ट में तो कट गए और दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, मिरर इमेज है। तो मैं बोलो अगर मिरर इमेज हो जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है यार बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, राइट। अब ऐसे कुछ भी कंपाउंड बना के देखिए। अब एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं बेटा, ये आपका एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये आपका एक फिशर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, राइट। अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ बीच से काट दूं तो कट करने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज आ गए, हम बोल सकते हैं बेटा इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? लेकिन इसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसा बना दूं बेटा, इसी कंपाउंड को मैं अगर ऐसा बना दूं कि एक ओ एच अबो द प्लेन आ गया और एक ओ एच बिलो द प्लेन आ गया, और जब मैं इसको यहां से टू इक्वल हाफ में काट दूं, हमको लग तो रहा कि दो इक्वल हाफ में कट गया है, लेकिन बेटा ये ओ एच अबो द प्लेन है, ये ओ एच बिलो द प्लेन है, मतलब जो दो कटे हुए पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, हेंस इसमें हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में कट करना है, और कट करने के बाद दोनों के दोनों हाफ एक दूसरे के क्या हो बेटा, दोनों के दोनों हाफ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है। दे आर हैविंग ए मिरर इमेज हो तो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो जाए तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर ऐसा नहीं है बेटा, ये दोनों आने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों भी एबसेंट होगी तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक एक या दोनों प्रेजेंट हो जाए कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। अब मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दिया, अब मैं आपको बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं। बेटा अब मैं बताऊंगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पता करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे पता करते हैं। देखिए बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए इट इज एन इमेजिनरी, बेटा इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, बेटा इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेन इन टू अपोजिट डायरेक्शन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेन इन टू अपोजिट डायरेक्शन एंड इन बोथ द डायरेक्शन बेटा, एंड इन बोथ द डायरेक्शन इफ सेम ग्रुप्स मीट्स देन सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। बेटा आपको ये स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जरूर दूंगा ये समझाने के लिए कैसे। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री, बेटा मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये एग्जांपल मैं ऐसे बना रहा हूँ कि मेरे पास में एक सिक्स मेंबर रिंग है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ओ एच अबो द प्लेन रखा बेटा। अगर ये ओ एच अबो द प्लेन है तो ये इस रिंग का सेंटर है, और जब मैं यहाँ से ऐसी एक इमेजिनरी लाइन पास किया बेटा, ये एक इमेजिनरी लाइन अबो द प्लेन है, वैसे ही ये इमेजिनरी लाइन सेंटर से पास होते हुए पीछे चली, और देखिए बेटा बिलो द प्लेन मुझे एक ओ एच मिल रहा है, मतलब यहाँ से अबो द प्लेन भी ओ एच, बिलो द प्लेन भी ओ एच ही आ रहा है। अगर दोनों के दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड में मिल जा रहे हैं, मैं बोलूंगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, मैं अगर ये कंपाउंड ऐसे लिखा दूं कि बेटा मेरे पास सी एच ओ है और ये सी एच ओ है और ये ओ एच है और ये एच है और ये ओ एच है और ये एच है,
बेटा यहाँ पर है ना, इस पूरे पूरे कंपाउंड का सेंटर ये है। और जानते हो एक्चुअली ये जो मेथड बना है ना, ये फॉर्मूले को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। बेटा ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो आपके वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन पे जो ग्रुप रखे हैं ये अबव द प्लेन है, और ये जो वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप रखे हुए वो बिलो द प्लेन है। मतलब अगर मैं ऐसा समझू कि ये ओ एच अबो द प्लेन है, तो ओ एच से जब सेंटर ऑफ प्लेन से पास करूँ तो पीछे में कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये वाला भी ओ एच अबो है, ये वाला हाइड्रोजन अबो, ये एच अबो, ये ओ एच अबो। मतलब जो भी ग्रुप आपके हॉरिजेंटल लाइन पे होते हैं दे ऑल आर अबो द प्लेन। अगर ये अबो द प्लेन है इसका मतलब इस केस में अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करूँ तो बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री इस केस में एबसेंट है। और आपसे पूछूं बेटा क्या आप इस कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो, हम बोलेंगे हाँ सर कट तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो पार्ट कटे हुए पार्ट है वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट है। मतलब ये ऐसा कंपाउंड है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एबसेंट। और देखो ये वाला सेंटर कार्बन कायरल सेंटर है, और ये वाला भी कार्बन बेटा कायरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, सी एच ओ, ओ एच, एच और ये नीचे का बड़ा ग्रुप। ये वाला भी कार्बन बेटा ओ एच से जुड़ा है, एच से जुड़ा है, सी एच ओ से जुड़ा है और बड़े ग्रुप से जुड़ा है। मतलब ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। अब दो दो कायरल सेंटर आ गए, तो दो कायरल सेंटर में हमने ये भी चेक किया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट। तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया बेटा, ये कंपाउंड हमारा बन गया एज ए ऑप्टिकली एक्टिव। इज इट क्लियर बेटा? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने के लिए आपको कंडीशंस क्या होनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों के दोनों एब्सेंट हो। चलो इसी का एग्जांपल हम लोग टार्टरिक एसिड लेके करेंगे। बेटा एक बोर्ड में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए ये चार पांच एग्जांपल्स दिया है और हमको इसमें से देखना है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी पता करने का सबसे पहला तरीका क्या बेटा, ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एबसेंट है, हम बोलेंगे ये कंपाउंड को हम दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कंपाउंड आपका बन गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल सेंटर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ देखो बेटा एक कायरल सेंटर ये भी है, यहाँ पर देखो ये भी कायरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि कार्बन चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, सी एच थ्री, ओ एच, एच और ये बड़ा सा ग्रुप। बेटा ये वाला भी कार्बन देखिए, बी आर एच सी एच थ्री और बड़ा सा ग्रुप, चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दो कायरल सेंटर आ गए। अब दो कायरल सेंटर आ गए तो हमारा रूल बैठता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो। तो पहली बात बताओ बेटा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वल हाफ में काटोगे तो कटे हुए पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट हो गई। सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने बताया बेटा कोई भी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है दे आर अबव द प्लेन। भाई ओ एच अबो द प्लेन है और यहाँ से पास करो तो पीछे वेज तो आने से रहा, बी आर अबो द प्लेन है अगर यहाँ से लाइन पास करो थ्रू द सेंटर ऑफ द कंपाउंड तो पीछे में बी आर आने से रहा, मैं बोलू इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एबसेंट है, तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया बेटा, द कंपाउंड बिकम ए ऑप्टिकली एक्टिव। एक बात याद रखना बेटा, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं, डी एंड एल। डी मतलब डेक्स्ट्रो प्लस साइन, एल मतलब लेवियो माइनस साइन, बेटा डेक्स्ट्रो एंड लेवियो। यहाँ देखिए कंपाउंड नंबर थ्री, बेटा मैं इस कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में कट कर सकता हूँ, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर बेटा ये भी कायरल सेंटर है, देखो कार्बन बॉन्डेड भी थे फोर डिफरेंट ग्रुप, ये बड़ा सा ग्रुप है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। बेटा ये कंपाउंड में आपको जो एच और बी आर दिख रहे हैं ना, इसको एक छोटा सा सर्कल समझो और इसको बड़ा सा सर्कल समझो, और यहाँ से आप एक लाइन पास करके दोनों को कट कर लो, तो मैं बोलूँ बेटा इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि देखो इधर का पार्ट हाफ ऑफ में कट गया, बेटा ये बी आर भी आधा कट गया, एच भी आधा कट गया, तो इसका मतलब है दोनों आधे आधे में कट गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है बेटा वो कंपाउंड कैसे होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया।
ऑप्टिकल इनएक्टिविटी में कोई भी दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट आ जाए तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा यहाँ पर आइए, ये ग्लूकोज है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला है बेटा C6H12O6। आपसे पूछा जाएगा ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर है। बेटा ये कायरल सेंटर 1, 2, 3, 4, तो बोलो ग्लूकोज के अंदर में चार कायरल सेंटर है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव। देखो बेटा कहीं से भी कट करो आपको दो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और सारे जो आपके ग्रुप वर्टिकल आई मीन हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे हैं दे ऑल आर अबव द प्लेन, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होगी, और ये कंपाउंड अपना बन गया एज ए ग्लूकोज इज ए ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेटा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करने के कुछ तरीके हैं बेस्ड ऑन द रूल नंबर 1 एंड 2। अब हम कुछ एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड के भी देखेंगे। बेटा अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जैसे कि टार्टरिक एसिड। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एग्जाम्पल हम लेंगे टार्टरिक एसिड। बेटा टार्टरिक एसिड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाने जा रहा हूं मैं, यह है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ टार्टरिक एसिड, मतलब COH फिर कार्बन, उससे 2H और OH जुड़ गया, फिर कार्बन OHH फिर COH। मैं आपसे पूछूं बेटा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, और ये जो कंपाउंड नंबर 1 जो आपको दिख रहा है सर वी कैन कॉल इट एज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, पहला पॉइंट। बेटा इस कंपाउंड के आगे मैंने मिरर लगा दिया और इसकी इमेज निकाला मैंने। अब देखिए बेटा ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, राइट, ये ओ एच आ रही है और इसका इमेज ओ एच यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा। फिर यहां से भी देखो बेटा आप इसकी इमेज में से देखो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कंपाउंड नंबर 2 जो इमेज दिख रहा है आपको, बेटा मैं बोलूं कि ये मेरा कंपाउंड नंबर 2 भी क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन, मैं अभी ऐसे बनाऊं टार्टरिक एसिड को कि एक COH होगा, बेटा एक COH होगा, ये OH होगा और यहाँ पर एक OH होगा और एक H और एक H। बेटा ये भी टार्टरिक एसिड है बट कंपाउंड नंबर 3 है। आपसे पहले पूछूं बेटा ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, यहाँ देखो बेटा ये भी कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या है बेटा, एक ऐसा sp3 कार्बन या सेंटर हो जिसमें चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं COH OH H और ये बड़ा सा ग्रुप अलग लगा हुआ है। वैसे ही देखो बेटा ये भी कायरल सेंटर है जिसे एच ओ एच सी ओ एच और एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, राइट, दो दो कायरल सेंटर आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखो, कट तो जाएगा लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। देखो बेटा दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो इस केस में मैं बोलूं प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, और इसी का मैं मिरर इमेज ले रहा हूं, इसी का मिरर इमेज कैसे बेटा, एक आ गया सी ओ ओ एच, फिर यहां से आ गया सी ओ ओ एच, फिर बेटा यहां पर आ गया ओ एच, यहां पर आ गया एच, यहां पर आ गया ओ एच, यहां पर आ गया एच। देखो यहां पर भी कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी एब्सेंट है, मतलब आपका ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा ही होगा बेटा, क्योंकि जो भी ग्रुप आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहते हैं वो अबोधी ग्रुप है, अबोधी ग्रुप है, मतलब आपका ये ओ एच यहाँ होगा और यहां से पास करोगे तो पीछे में ओ एच नहीं आएगा, तो कैसे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी एब्सेंट, तो ये कंपाउंड नंबर 3 जो है बेटा आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी आपका जो कंपाउंड नंबर 4 जो कि इमेज दिख रहा है बेटा ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये कंपाउंड नंबर 3 और 4 अगर आपको ठीक से दिख रहा है, आप देखिए मैं आपको बता दूं कंपाउंड नंबर 3 और 4 एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है। मैंने अभी भी आपको पढ़ाया था व्हाट इज एनेंशियोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है एनेंशियोमर्स और एक होता है डायस्टेरियोमर्स। अभी एनेंशियोमर्स है, व्हाट इज एनेंशियोमर्स डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा, एनेंशियोमर्स क्या है, मतलब एक
पेयर ऑफ आइसोमर्स हो, एनेंशियोमर्स मतलब इट इज ए पेयर ऑफ आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, बेटा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर। मतलब मैं आपसे पूछूं बेटा, क्या ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है? आप बोलना एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन क्या ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? तो मैं बोलूं बेटा दे आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसे मानो? इस कंपाउंड को पूरा यहां से उठा के इसके ऊपर कवर करो। अगर इस कंपाउंड को पूरा उठा के आप इसके ऊपर कवर करोगे तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड को पूरी तरह कवर नहीं करेगा। देखो OH H को पूरी तरह कवर नहीं करेगा, और ये H भी OH को पूरी तरह कवर नहीं करेगा। अगर वो एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए और मिरर इमेजेस हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एनेंशियोमर्स। राइट, ये एनेंशियोमर्स का डेफिनेशन हो गया। बेटा मैं बताऊं, ये कंपाउंड नंबर 1, 2, 3, 4 में 3 और 4 तो एनेंशियोमर्स है, और एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव को बोल सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे एक बात बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे, बेटा मेरे पास कंपाउंड ये ए है और ए का इमेज मुझे ए दिख रहा है, तो मैं बोलूं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, हम बोलेंगे ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी है, और ये दोनों के दोनों कैसे बेटा? दे आर द सुपर इम्पोजेबल है। मतलब ए को उठा के इसके ऊपर रख दो, सुपर इम्पोज कर गया। मतलब ये दोनों के दोनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज ए आइडेंटिकल। ये पहला हो गया बेटा। अब मेरे पास देखो एक कंपाउंड बी है, और मैंने इसका यहाँ पर मिरर इमेज बना दिया। बेटा बी की इमेज ये आ गई, मैं बोलूँ ये बी एक दूसरे के क्या है? हम बोलेंगे सर बी एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। क्या बेटा ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज है कि नॉन सुपर इम्पोज? तो बी को उठा के इसके ऊपर कवर करो, पूरी तरह कवर नहीं करेगा, एज दे आर दी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं उसको आप क्या बोलोगे बेटा? दे आर कॉल्ड एज ए एनेंशियोमर्स, और ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज ए आइडेंटिकल। राइट, अब बात आती है डायस्टेरोमर्स क्या है। अब देखो बेटा मेरे पास एक कंपाउंड ए है और ए की इमेज मुझे बी आ गई है। पॉसिबल नहीं है पर मैं बता रहा हूं। क्या बेटा एक दूसरे के मिरर इमेजेस है? हम बोलेंगे ये दोनों के दोनों दे आर द नॉन मिरर इमेजेस। क्या बेटा? दोनों के दोनों दे आर द नॉन मिरर इमेजेस। एट द सेम टाइम क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं? हम बोलेंगे दे आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस। तो बेटा जो नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस होते हैं दे आर कॉल्ड एज ए डायस्टेरियोमर्स। समझ में आया बेटा? डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस होते हैं। एनेंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। आइडेंटिकल सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। तो बेटा ये चार कंपाउंड में मैंने जो बोला 3 और 4 तो एनेंशियोमर्स है, लेकिन मैं चाहूंगा ये चार कंपाउंड में क्या कंपाउंड नंबर 1 और 3 एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हो सकते हैं? हाँ बेटा, कंपाउंड नंबर 1 ये है और कंपाउंड नंबर 3 ये है। क्या ये कंपाउंड नंबर 1 और 3 मिरर इमेजेस है? नहीं है। क्या वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं बोलू कंपाउंड नंबर 1 और 3 डायस्टेरियोमर्स, कंपाउंड नंबर 1 और 4 डायस्टेरियोमर्स। लिख सकते ना बेटा, कंपाउंड नंबर 1 और 4 आर आल्सो कॉल्ड एज ए डायस्टेरियोमर्स, बट कंपाउंड नंबर 3 और 4 आर द एनेंशियोमर्स। राइट, तो मैंने बेटा टार्टरिक एसिड का एक एग्जाम्पल लेके आपको एनेंशियोमस बताने की कोशिश किया है और डायस्टेरियोमस बताने की कोशिश किया है। बेटा इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि RS कॉन्फ़िगरेशन से एनेंशियोमस और डायस्टेरियोमस कैसे पता करते हैं। राइट।
बट ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, दैट इज व्हाट इज इट, 2.3 डायहाइड्रोक्सी 2.3 डायहाइड्रोक्सी बिटानोइक एसिड, बेटा 2.3 डायहाइड्रोक्सी बिटानोइक एसिड, इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना के दिखा दो बेटा। ये COOH है, सेकंड पे OH, थर्ड कार्बन पे OH, 1, 2, 3, 4, तो आप यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, ये हो गया आपका 2.3 डायहाइड्रोक्सी बिटानोइक एसिड। सबसे पहला ये कंपाउंड नंबर 1 है बड़ा, ये वाला कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। अगर आप यहां से प्लेन को कट करो तो प्लेन कट तो हो जाएगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट है, बिकॉज यहाँ COH है और यहाँ CH3 है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज आना चाहिए, तो ये नहीं है, राइट। तो मैं बोलूँ बेटा मेरा कंपाउंड नंबर 1 क्या हो गया, सर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा इसी कंपाउंड नंबर 1 का मैं एक इमेज बना रहा हूँ, ये COH है और एक CH3 है बेटा, और ये OH है, ये भी एक OH है, और यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है। देखो बेटा ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, और यहां से कट करके देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी एबसेंट। कंपाउंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज ए ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों के दोनों एबसेंट है। बेटा ये कंपाउंड नंबर 1 एंड 2 दोनों पेयर को हम एनेंशियोमर्स बोल सकते हैं। व्हाई? एनेंशियोमर्स क्या है, पेयर ऑफ आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर इसको उठा के यहाँ रखो तो ये पूरी तरह से इसको कवर नहीं करेगा, सो हेंस दे आर कॉल्ड एज एनेंशियोमर्स। लेकिन इसी का एग्जाम्पल मैं भी ऐसे बनाऊंगा बेटा, ये रहा COOH और ये रहा CH3, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा H और ये रहा H। बेटा अब भी देखो ये कायरल सेंटर है, राइट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें अभी भी एब्सेंटीज है, तो ये मेरा कंपाउंड नंबर 3 क्या हो गया बेटा, ये भी कंपाउंड नंबर 3 मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये भी क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, राइट। और इसी का मिरर इमेज में बना दूं बेटा, ये COH है, ये CH3 है, राइट, फिर यहां पर देखो आपको एक OH आ रहा, यहां पर H आ रहा, यहां पर OH, यहां पर H, बेटा दो दो कायरल सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री एबसेंट, तो मैं बोलू ये कंपाउंड नंबर 4 मेरा क्या है, बेटा कंपाउंड नंबर 4 इज कॉल्ड एज ए ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। मैं अभी भी बताऊं बेटा कंपाउंड नंबर 3 एंड 4 एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने के कारण बेटा वी कैन कॉल इट एज ए एनेंशियोमर्स। बेटा आपको एक नया टर्म सिखा रहा हूं, एक होता है बेटा एरिथ्रो और एक होता है त्रियो। त्रियो बेटा एरिथ्रो और त्रियो में क्या देखा जाता है, किसी भी कंपाउंड का जो लास्ट कायरल सेंटर है उस लास्ट कायरल सेंटर में हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप की साइड में है, दैट इज ऑन द राइट साइड। बट अगर हाईली, देखो आपके पास दो कायरल सेंटर है, मैं आपको एरिथ्रो त्रियो के साथ में डी और एल भी बताने जा रहा हूं। बेटा किसी भी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर होंगे तो लास्ट कायरल सेंटर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप किस साइड में, राइट साइड में, तो इस कंपाउंड का नाम होगा कैपिटल डी। बेटा डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता, डी का मतलब है कि लास्ट बट लास्ट कायरल सेंटर पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप राइट साइड में आ गया। अब इसमें देखो ये लास्ट कायरल सेंटर में आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप किस साइड में आ गया बेटा, लेफ्ट साइड में आ गया। इस कंपाउंड का नाम स्टार्ट होगा एल से, इस कंपाउंड का नाम स्टार्ट होगा डी से। देखो बेटा ये लास्ट कायरल सेंटर है और इसमें आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप OH इज ऑन लेफ्ट साइड, तो ये एल है। एल का मतलब लेफ्ट नहीं होता बेटा, ये डी और एल इंडिकेट करता है कि लास्ट कायरल सेंटर पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में है तो एल, और राइट साइड में अगर हो तो डी। और इसको देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लास्ट कायरल सेंटर पे आपके राइट साइड में आ गया, बेटा इसका भी नाम हो गया डी। डी और नेम ऑफ द कंपाउंड लगा दो, डी डैश 2.3 डायहाइड्रोक्सी बिटोनिक एसिड, एल डैश 2.3 डायहाइड्रोक्सी बिटोनिक एसिड, एल डैश
2.3 डायहाइड्रोक्सीबुटानिक एसिड, डी डैश 2.3 डायहाइड्रोक्सीबुटानिक एसिड, ये हो गया डीएल का कॉन्फिग्रेशन। बेटा इसके अलावा अब नई चीज सिखाने जा रहा हूं, व्हाट इज एरिथ्रो एंड व्हाट इज ए त्रियो। बेटा एरिथ्रो और त्रियो जानने के लिए बस इतना ही देखना है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज ऑन द सेम साइड एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज ऑन द अपोजिट साइड। अब देखो बेटा दोनों के दोनों ग्रुप सेम साइड में है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज कॉल्ड एज ए एरिथ्रो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दोनों सेम साइड में है आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, एरिथ्रो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में है बेटा आप इसको बोल सकते हो त्रियो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दो अपोजिट साइड में है आप इसे बोल सकते हो त्रियो। देखो बेटा हमने एरिथ्रो और त्रियो भी नाम सीखे हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल के भी नाम सीखे हैं बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ 2.3 डायहाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड, राइट। बेटा रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता करने के और मेथड है कॉल्ड एज ए आर एन एस कॉन्फिग्रेशन। बेटा ये आर एन एस कॉन्फिग्रेशन थोड़ा बड़ा पार्ट है, पहले मैं आपको आर एन एस कॉन्फिग्रेशन फिशर प्रोजेक्शन में निकालना सिखाऊंगा और बाद में आर एन एस में आपको किसी वेज एंड डैश मेथड में निकालना सिखाऊंगा और उससे भी हम बता सकते हैं कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो मेथड से सीखेंगे एंड दैट वन विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।